आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई उपनगर में एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजाक में नाबर्द कह दिया, जिससे युवक को इतना गुस्सा आ गया कि युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने लाश को एक गोनी में डालकर माहिम स्थित रेलवे पटरी के किनारे फेंक कर फरार हो गया, लेकिन आरोपी के इस हत्या के राज को लाश के गोनी ने ही खोल दिया। रेलवे जीआरपी ने महज 8 घंटे में इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया। जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम विकास खेरनार बताया जा रहा है। साथ ही जांच अधिकारी ने बताया मृतक 30 वर्षीय महिला गोरेगांव डिंडोशी इलाके की निवासी थी। महिला शादीशुदा बताई गई और एक निजी कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करती थी। उसी कंपनी में काम करने वाले एक युवक से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। वारदात के कुछ दिन पहले महिला ने मस्ती मजाक में आरोपी को तुझमें दम नहीं है यानी नल्ला बोलकर उसकी बेइज्जती कर अन्य लड़कों से बातचीत करने लगी। इस घटना के बाद आरोपी शर्मिंदा हो गया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। 9:15 बजे बॉम्बे सेंट्रल पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि माहिम और माटुंगा के बीच में कुछ तो संचयित गनी बैग में कुछ तो पड़ा है। हमारे एमसीटी पीआई श्री केदारी साहब और एलसीबी के पीआई शेख साहब ये वहाँ पे स्पॉट पे गए अपनी डिटेक्शन की टीम के साथ। वहाँ पे जाने पे पता चला कि अंदर एक 30 साल की महिला की मृतदेह है। तो पोस्टमार्टम करने लेके गए, इंक्वेस्ट किया तो पता चला कि ये 30 साल की औरत जिसका नाम ग्राम कुछ पता नहीं, उसको पेट में 2-4 छुरे भूके गए और उसका गला काटा गया है। ये करने के बाद सबसे पहला चैलेंज पुलिस के पास में था कि इस महिला की आइडेंटिटी लगाना। तो इसके लिए हमने जब पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया कि ये महिला ऐसे ऐसे मिली है, तो जो जिस गनी बैग में इस महिला का मृतदेह था उस गनी बैग में जो कुछ लिखा हुआ था उससे क्लू लेके हमने गोरेगांव एरिया में हमारा कॉन्सेंट्रेट किया। तो हमें पता चला कि डिंडोशी पुलिस स्टेशन में एक सिमिलर वर्णन की महिला की मिसिंग की तकरार दाखिल है। आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने के बाद में हमने जब तहकीकात की, हमारे डिटेक्शन ब्रांच MCTPI और आपके हमारे एलसीबी के इंस्पेक्टर शेख और उनकी टीम, तो पता चला कि इस महिला का जिसके साथ काम करने वाला विकास खैरनार करके जो एक व्यक्ति है उसके साथ में इसकी घनिष्ठता थी और इनके कुछ पैसों को ले दे के भी कुछ चीज़ें इनके बारे में इनके बीच में चल रही थी। तो इस संशय के तौर पे उसको जब हमने इंटरोगेट किया तब हमें पता चला कि यही आरोपी है और इसने इस महिला का मर्डर किया। इनके हमने जब इनका रिकॉर्ड निकाला तो इनकी काफ़ी बातें होती रहती थी इनकी, तो इसने मतलब प्लान पहले से कर रखा था, इसने चाकू वाकू लेके रखा था और उसने जैसे हमेशा बुलाते ऐसे बुला लिया उसको। तो महिला को कुछ मालूम नहीं था, रोज़ काम पे भी जाती थी, उस तरह से उसने बुलाया उसको, मिलने के लिए बुलाया। वो सर्वेंट शौचालय में लेके गया और वहाँ पे जाके ओवर पावर करके उसको मार दिया। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।